गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी। स्वागत है आपका बैंकर बडी के एक नए सेशन में। दोस्तों, आज मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं, यह है आपका स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है दोस्तों, और इनमें जो मैं टॉपिक ऐड करूंगा जो आपके बैंक एग्जाम से रिलेटेड है, और करंट में उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, नए लागू कुछ नियम आए हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड मैं इसमें वीडियोस ऐड करूंगा जो कि आपके बैंक एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसी टॉपिक्स को मैं इसमें ऐड करूंगा। और स्टैटिक जीके जो है, बैंकिंग के स्टैटिक बैंकिंग जो है, उसमें मैं एक एक करके आपके सारे टॉपिक पे वीडियोस ऐड करूंगा। जितने जरूरी है बैंक एग्जाम के लिए उतने ही मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाए कि आखिर उसका उसके बारे में एक आइडिया आपके पास आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। हमारा ये जो सेशन है आज का, ये एक्चुअली है एमएसएमई के सेक्टर से रिलेटेड। एमएसएमई जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसमें अभी हाल ही में इनके नए डेफिनेशंस ऐड किए गए हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो ये है आज का हमारा जो है एमएसएमई से रिलेटेड। तो फर्स्ट है, हाउ इज एमएसएमई डिफाइंड देन वर्सेस नाउ, मतलब एमएसएमई जो है उसको डिफाइन जो किया जाता है, पहले कैसे किया जाता था और अभी कैसे किया जाता है। ठीक है, अर्लियर द एमएसएमई वॉज डिफाइंड बेस्ड ऑन वेदर द एमएसएमई वॉज ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और सर्विस एंटरप्राइज। तो पहले एमएसएमई क्या होता था, इसी पे डिपेंड करता था उसका डेफिनेशन, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो या तो वो सर्विस एंटरप्राइज जो सेवा देने वाले उद्यम होते हैं उससे रिलेटेड हो। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इट वॉज डिफाइंड इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है तो उनको जो डिफाइन किया जाता है वो किया जाता है उस प्लांट पे कितने इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं और मशीनरी पे कितने इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसी से उसको डिफाइन किया जाता था। While a service enterprise was defined in term of investment in equipments, और जबकि service enterprises जो है, मतलब सेवा देने वाले उद्यम, तो उसमें जो है उनके equipment में कितने investment किया जाता था उसी को वो define करते थे। The MSME was classified as a micro enterprises. The MSME was classified as a micro enterprises, small enterprises, or medium enterprises based on the investment in plant and machinery in the case of manufacturing sector and investment in the equipment in the case of service sector. तो MSME, ठीक है, इनको जो declassified किया जाता है micro enterprise, small enterprise और medium enterprise. तो ये बेस्ड होता था, मतलब ये आधारित होता था तीन चीजों पे। मतलब अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है तो वो आपके प्लांट और मशीनरी पे कितने पैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे इसके कैटेगरी को डिवाइड किया जाता था। और अगर ये सर्विस एंटरप्राइज है तो सर्विस एंटरप्राइज में जो इक्विपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता था, पैसे दिए जाते थे, उससे इसको आपके इसके जो है माइक्रोस एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज एंड मीडियम एंटरप्राइज में बांटा जाता था। ठीक है, तो ये है आपका पहले किस तरीके से किया जाता था। तो अब क्या है कि व्हाट्स न्यू इन द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। तो अभी जो नया एमएसएमई लाया गया है उसमें किस तरीके से डिफाइन किया जाता है आपके एमएसएमई जो सेक्टर्स है उनको। तो द डिफाइन ऑफ एमएसएमई इज नाउ बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। तो अभी जो एमएसएमई को नए तरीके से डिफाइन किया जाएगा वो है आपके इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर, मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट कितने हो रहे हैं बिजनेस में और आपका एनुअल टर्नओवर, आपका सालाना व्यवसाय कितना हो रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। इन द न्यू डिफिनेशन द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर हैज बीन डन अवे विद। तो ये जो डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों के साथ ये किया गया है।
ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टर्नओवर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, एक नया कॉन्सेप्ट जो है, एक नई सोच जो है टर्नओवर, जिसको कि कहते हैं व्यावसायिक, मतलब सालाना व्यावसायिक जो होता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसको सबके सामने लाया गया है। द इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज बीन रिवाइज्ड अपवर्ड, और जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसका जो एक आपका स्थिरता है उसको भी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, तो पुराने जो एमएसएमई के डेफिनेशन है उसमें किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज एंड मीडियम एंटरप्राइज को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में अगर देखें तो डज नॉट एक्सीड, अगर माइक्रो एंटरप्राइज का ले ले, ठीक है, तो उसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग जो एंटरप्राइज है उसमें अगर देखें तो डज नॉट एक्सीड रिस 25 लाख। तो अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इसमें देखें, क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में देखें तो ये जो है आपका जो पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है ये 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर सर्विस सेक्टर में ले तो डज नॉट एक्सीड 10 लाख, अगर सर्विस सेक्टर में ले तो ये 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड, अगर स्मॉल एंटरप्राइज की ले ले तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोर देन 25 लाख बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। तो अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में देखें तो ये 25 लाख से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ से ये कम होना चाहिए। वही अगर अब हम लोग सर्विस सेक्टर को देखें तो सर्विस सेक्टर में मोर देन 10 लाख बट does not exceed 2 करोड़, 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए बट 2 करोड़ से कम होना चाहिए। और अगर मीडियम एंटरप्राइज को ले ले तो हम लोगों का मोर देन 5 करोड़ बट does not exceed 10 करोड़, मतलब मीडियम एंटरप्राइज में ये 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए बट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर इसमें सर्विस सेक्टर को देखें तो 2 करोड़ से देन 2 करोड़ बट मोर देन 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए बट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों पुराने डेफिनेशन है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। ये आप इसका जो पूरा डेटा है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा मेंस में, कोई भी मेंस ले लिया, आरआरबी क्लर्क चाहे पीओ मेंस ले ले, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर बनेगा। तो चलिए न्यू कैटेगरी देखते हैं। पहले है माइक्रो, माइक्रो में क्या आता है आपके न्यू कैपिटल जो है वो 10 करोड़। ठीक है, न्यू कैपिटल मतलब वही जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, 1 करोड़ और एनुअल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे। अगर स्मॉल एंटरप्राइज के देखें तो इसमें 10 करोड़ जो है न्यू कैपिटल होना चाहिए और 50 करोड़ सालाना टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि स्मॉल एंटरप्राइज में देखें तो 10 करोड़ उसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल होना चाहिए और सालाना जो टर्नओवर है उसको उसका 50 करोड़ होना चाहिए। और अगर मीडियम एंटरप्राइज में देखें तो 50 करोड़ जो है उसका कैपिटल होना चाहिए और टर्नओवर जो है उसका 250 करोड़, 250 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अभी न्यू डेफिनेशन एमएसएमई ये लिमिट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हाउ द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई विल बेनिफिट एमएसएमई, तो जो एमएसएमई का जो नया जो है रिवाइज जो है इसको किया गया है ये किस तरीके से आपके एमएसएमई को हेल्प करेगा। It will help in the seamless expansion of small and medium business in the country. तो ये जो नया डेफिनेशन लाया गया है इससे क्या होगा, जो MSME सेक्टर है ठीक है उसको जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सकेंगे और आसानी से बिना रोक टोक के बाधा के ये चल सकेगा। द अपवर्ड रिविजन इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ MSMEs विल हेल्प bring an increased number of MSME units access to internet institution working capital. तो ये जो नया
रिवीजन किया गया है एमएसएमई का, और जिसमें कि लिमिट जो है उसको बढ़ाया गया है। इसके कारण जो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, उनको अपने जो एसेट्स एक्सेस है, यूनिट्स जो है उसको बढ़ाने में मदद मिलेगा, और जो है इंस्टीट्यूशनल संस्थानिक जो कार्य होगा, जो भी मतलब उसका देख रेख या बिजनेस किस तरीके से चलेगा, ये और बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एमएसएमई में हेल्प करेगा, जो नया डेफिनेशन लाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो होप मैं आपको समझा पाया हूँ। देखिए, मैं इसमें बहुत सारा और भी कुछ चीज़ें था, बट वो मुझे नहीं लगा कि इम्पोर्टेंट है। जितना हम लोग को बैंक एग्जाम में जानने के लिए ज़रूरी होता है, उतने ही मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक पीडीएफ जो कि डिटेल में दिया हुआ है, वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और वो पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।